जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीयर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो टोयोटा आईक्यू के नाम है। और टोयोटा आईक्यू, ये आपने गाड़ी देखी होगी लाजमी, अगर कोई बड़े शहर में रहता है। फेमस है इसलिए कि दो बंदों वाली गाड़ी है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। गाड़ी की ब्यूटी, गाड़ी की खूबसूरती आपके सामने है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि जिन प्यारे भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें फेसबुक पर, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम ऐसी अच्छी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। टोयोटा आईक्यू में आई स्टैंड फॉर इनोवेशन एंड इंटेलिजेंस एंड क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी। तो इस तरह देखा जाए तो टोयोटा आईक्यू का नाम इंटेलिजेंस क्वालिटी बनता है, बट ये है कि ये अगर आप इसको गूगल सर्च करें तो यही चीज़ आती है। और टोयोटा भी इसके बारे में ये कहता है, बट इसका कोई पूरा नाम नहीं है सच। ये गाड़ी मोस्ट कॉमनली जो है कि मशहूर होने की इसकी वजह दो बंदों की भी थी, क्योंकि ये दो बंदों वाली टिपिकली गाड़ी है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। और इसका एक ज़रूर फ़ायदा है कि इसको आप कहीं भी लेके जाएं, कहीं भी आप लेके, कहीं भी रश हो, ट्रैफिक हो, तो आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। बाइक का बहुत अच्छा सब्सिट्यूट है अगर आप बाइक नहीं यूज़ करना चाह रहे, क्योंकि बाइक की ज़रा रिस्की होती है सवारी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये शौक, क्योंकि इसको शौक़ भी बोल सकते हैं, तो लाजमी लें ये गाड़ी। गाड़ी देखने में भी अच्छी है, फुल ऑफ़ मॉडर्न गैजेट्स है, फुल ऑफ़ मॉडर्न एसेसरीज़ है। और ये कि मेरा यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं आप लाजमी ये गाड़ी लें। गाड़ी चलाने में भी अच्छी है, वैसे लुक वाइज भी अच्छी है गाड़ी। जहाँ तक गाड़ी के इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, स्मार्ट है, काफ़ी खूबसूरत है। और देखा जाए पुश स्टार्ट भी है गाड़ी में, बिल्कुल चाबी नहीं है, पुश स्टार्ट है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बहुत ख्याल किया। ये 2009 मॉडल है, तो 9 मॉडल के हिसाब से आप देखें उस टाइम भी उनके जहन में था। और ये काफ़ी लोग इसके बारे में समझते हैं ये LCD है, ये LCD नहीं है, जस्ट एक स्क्रीन है, छोटी सी है। इसमें अगर आपने बेल्ट ना आपने टाइप की हो तो इसमें ज़रूर आता है, उसका इंडिकेटर आएगा, और कुछ भी नहीं है, जस्ट छोटा सा एक मॉनिटर टाइप्स है। बाकी देखा जाए इसका मीटर अब थोड़ा सा पुराना है, अगर मतलब कोई डिजिटल नहीं है, बट मैंने इसकी जो नई गाड़ी आ रही है, इसकी जो नई शेप आई हुई है, बल्कि अभी 2019 मॉडल है, उसमें फुल ऑफ LEDs, फुल ऑफ डिजिटल मीटर, हर चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से तो गाड़ी अगर देखा जाए थोड़ा सा ये है कि मार्क आती है, बट आप ये भी तो देखिए मॉडल भी तो यही है, 2009 है, और ये चंद रेयर ही गाड़ी हैं। ये कितनी आई हैं, ये चंद रेयर ही गाड़ी हैं। इसमें आपको फुली लोडेड जिस तरह ये गाड़ी है बहुत ही कम मिलेगी। और डिजिटल क्लाइमेट का अगर देखा जाए उस टाइम भी इन्होंने काफ़ी ख्याल किया है, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फीचर है जो कि होना चाहिए लाजमी। बाकी CD चेंजर है, अगर देखा जाए गाड़ी में LCD बैक व्यू कैमरा नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल हो रही है मुझे भी, क्योंकि जो बात है वो है। एक मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ लगी, ये बहुत ही खूबसूरत लाइट है। ये अच्छी गाड़ियों में होती है, मर्सिडीज़ BMW में होती है, और ये इजीली रोटेटेबल है, आप देख सकते हैं ये रोटेट कर सकते हैं। और इसमें मोड्स हैं, अगर आप जो जिस पे एडजस्ट करते हैं गाड़ी की ये लाइट जलेगी, और इसे बंद भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा फीचर है, और मैं ये चाहता हूँ यार ऐसे फीचर्स हमारी लोकल गाड़ियों में भी आएँ। बाकी शीशा भी इसका अच्छा है, देख सकते हैं, पता चलता है उसकी भी क्वालिटी। एक ये चीज़ है इसमें, काफ़ी लोग पूछते हैं ये कॉइन्स के लिए डैशबोर्ड है, बेसिकली ऊपर दिया हुआ है इसमें, आप कह लें कॉइन्स के लिए कपबोर्ड कह लें इसको, या वैसे कुछ कह लें। और एक और चीज़ अगर इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड इसमें नहीं होता। जहाँ तक साइड का ताल्लुक है तो गाड़ी की साइड भी काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है, और उस टाइम के हिसाब से देखा जाए जिस टाइम ये गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई है उस टाइम के हिसाब से इसमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल किया गया है। एक तो इसकी खूबसूरती, एक इसमें LEDs, एक इसमें एरोडायनेमिक शेप, और एक इसकी ब्यूटी, क्योंकि ये टिपिकली दो बंदों वाली गाड़ी है, इसको अगर हम चार बंदों वाली गाड़ी से इसका कोई कंपेरिजन नहीं है। जहाँ तक इसके बैक स्पेस की ताल्लुक है तो बैक स्पेस आप देख सकते हैं बिल्कुल ही गाड़ी में कम है, और ये देख रहे हैं कि मैं तक इसमें नहीं बैठ सकता, आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई इसमें बैक स्पेस नहीं है। और अगर आपने बैठना है आपको अगली दो सीटें आगे करनी पड़ती हैं, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है गाड़ी में। जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो गाड़ी ड्राइव में काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी पिक लेती है, बट एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए हमारी नई जैपनीज़ कार्स तो उनके हिसाब से नहीं है, मतलब जो 2015-16-17 वाली जैपनीज़ कार्स आ रही हैं उनसे ज़रा कम है। हालाँकि ये 1000 CC है और वो 660 CC हैं, बट ये चीज़ तो है, ये मैंने नोट की है, फील की है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बाकी ये कि इसको इजीली अगर 660 CC में टर्बो वेरिएंट कोई भी गाड़ी का हो, नई में यानी 14-15 मॉडल का, तो वो इसको इजीली बीट कर सकता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि गाड़ी की पिक उस हिसाब से थोड़ी कम है। ये भी हो सकता है कि पिक हो इसकी, इसके काम शाम, क्योंकि इसका मुझे लग रहा है कैट का भी है थोड़ा सा इशू, कैट चोक लग रहा है, क्योंकि इन गाड़ियों में ये कि अगर आप हाई ऑक्टेन ना डलवाएं तो कैट चोक हो जाता है आपका।
जहाँ तक प्राइस की बात की जाए तो प्राइस वाइज गाड़ी उस टाइम जब ली थी तब ये तकरीबन 12 साढ़े 12 लाख की थी। ली ये 2013 में थी, मॉडल 2009 मॉडल है। बट ये कि अगर आज बेचें तो आज इसमें डेप्रिसिएशन इफेक्ट काफ़ी होता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है इसकी कोई रीसेल ऐसा सच हमारे इधर नहीं है इतनी। तो ये गाड़ी तकरीबन आप कह लें बिकती है, बहुत भी हो तो ये गाड़ी यहाँ बिकती है तकरीबन 8 से 9 से 10 लाख के दरमियान। इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, इसका प्राइस का यही होता है कि जिधर कोई अच्छा कस्टमर लग गया। और ये रातों रात नहीं बिकती, बिकने पे है तो रातों रात भी वैसे बिक सकती है, बट ये एक चीज़ ज़रूर है कि ये बिकते हुए साल साल भी लगा देती है। बाकी ये कि ये जो भी लेता है शौकीन बंदा लेता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। और मुझे एक है कि ये ज़रा थोड़ी सी अगर देखा जाए गाड़ी उस हिसाब से जिस तरह आजकल 660 cc आ रही है टर्बो वाली, उस तरह भागती नहीं है गाड़ी, शायद पुरानी टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से। बट ये कि ठीक है, इसमें बस आप हाई ऑक्टेन डलवाते रहें, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर इसका टाइम पे चेंज करवाएं, गाड़ी कभी तंग नहीं करती। बाकी अच्छा है, अगर आपने लेनी है इस हिसाब से, ये आप सोच के ले रहे हैं कि शौक है और आपके पास पैसे हैं और आपका ज़रा मसला होता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बाइक आप लेना चाह रहे हैं, फिर बेस्ट गाड़ी है। बाकी ये कि बहुत रेयर मिलती है, बहुत रेयर नज़र आती है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। और इसमें यह है कि बस इसका थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, पार्ट्स थोड़े महंगे हैं, इधर से मिलते नहीं, हमारी लोकल मार्केट से आपको पार्ट्स मंगवाने ही पड़ते हैं इसके। और यही है कि एवरेज का जहाँ तक ताल्लुक है तो फ्यूल एवरेज इसकी गर्मियों में जो है विदेशी दो बंदे अगर बैठे हो तो तकरीबन इसकी एवरेज है 12 साढ़े 12 या 11 भी देती है, डिपेंड है आप चलाते हैं इसे किस तरह है। और अगर गर्मियों सर्दियां हो और दो एक बंदे बैठे हो आपकी गाड़ी में तो तकरीबन तकरीबन इस गाड़ी की एवरेज जो है वो आती है फिर आप कह लें 14 साढ़े 13 14 तक की चली जाती है गाड़ी। गाड़ी की बैग देखा जाए तो बैग भी काफ़ी खूबसूरत है, LEDs नहीं है बट क्रिस्टल लाइट है, जो कि मेरा ख्याल है ठीक है उस टाइम के हिसाब से, ये कि इन्होंने काफ़ी ख्याल रखा है, बट आज के टाइम के हिसाब से इसमें LEDs होनी चाहिए जो कि इसके नए मॉडल में है, लाजमी है। इस गाड़ी के बारे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि गाड़ी भाई कहीं भी लेके जा सकते हो, इसका जो साइज़ है कहीं भी इसे घुसा दो, ये बहुत इसकी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं साइज़ इसका काफ़ी छोटा सा है और इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर दो, रश वाले एरिया में ख़ास तौर पे आप इसे यूज़ करें, मज़ा आता है, कहीं भी पार्क कर दें ईज़िली पार्क हो जाती है, इसका भी कोई इशू नहीं है। जहाँ तक तो गाड़ी की साइड का ताल्लुक है तो साइड काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एरोडाइनमिक है और टिपिकली 2 डोर विथ 4 सीटर गाड़ी है, क्योंकि दो बंदे इसमें बैठ सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। उम्मीद करता हूँ मेरा शॉर्ट सा रिव्यू टोयोटा IQ के बारे में आपको पसंद आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की, अभी भी काफ़ी चीज़ें भाईजान मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद रही, इसमें बस माजरत ही कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की, इधर शोर भी पड़ा है, कैमरा मेरा ब्लर भी बहुत हो रहा है, और कोशिश मैंने पूरी की इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ऐसी और अच्छी अच्छी और वीडियोज़ इंशाल्लाह लाते रहेंगे, कोशिश मेरी यही थी मैक्सिमम, बट ये कि मैं कर नहीं सका, मुझे इस पर अफसोस ज़रूर है कि बट मैंने कोशिश ज़रूर की, और यह है कि इंशाल्लाह आप सपोर्ट करें, अच्छी अच्छी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।